ममता की सुपर 75 विद्यार्थियों को ऑफलाइन कक्षा के साथ ही ऑनलाइन शिक्षा की सुविधा भी मिली। इसके लिए ममता के शिक्षा विभाग के माध्यम से मेयर दयाशंकर तिवारी के हाथों टैब का वितरण किया गया। इस दौरान शिक्षा सभापति दिलीप दिवे, नागेश सहारे, संगीत गिरहे, शिक्षा अधिकारी प्रीति मिश्री कोटकर, उप शिक्षा अधिकारी सुभाष उपासे, रजनीकांत बोंद्रे, गणवीर उपस्थित थे। मेयर ने कहा कि मनपा की शाला में पढ़ने वाले बच्चे अन्य किसी भी विद्यार्थी की तुलना में कहीं कम नहीं पढ़ेंगे। मनपा विद्यार्थियों को नई तकनीक से जोड़ने के लिए करीब 2000 विद्यार्थियों को टैब दिया गया है। अब सुपर 75 विद्यार्थी भी ऑनलाइन एजुकेशन प्राप्त कर सकेंगे। उन्होंने पालकों से अपील की कि घर के बच्चियों के एजुकेशन पर भी ध्यान दे। दिवे ने कहा कि मनपा के छात्र किसी से कम नहीं है। योग्य मार्गदर्शन और सुविधा के जरिए उन्हें प्रावीण्य श्रेणी में लाया जा सकता है। बीते 2 वर्ष में मनपा के बच्चों ने यह कर दिखाया है। शहर के नागरिकों का भी मनपा शालाओं के प्रति नजरिया बदला है। अधिक से अधिक विद्यार्थी मेरिट में आए, इसके लिए विशेष प्रयत्न किया जा रहा है। इस वर्ष मनपा शालाओं का परिणाम 100% रहेगा, यह विश्वास उन्होंने जताया। उन्होंने कहा कि सुपर 75 की दूसरी बैच भी शुरू की जाएगी। जो 4 दिन पढ़ा गया उसको पढ़ना है, कारण आप जितना इसको रिपीट करोगे उतना आप उसमें पारंगत होते चले जाओगे। आपको पढ़ाए गए सब्जेक्ट पे पूरी मास्टरी हो जाए और आप बच्चों को पढ़ाने लग सके, इस क्षमता के अनुरूप खुद को तैयार करना है। एक आधे दिन गणवीर सर या बोंद्रे सर ने क्लास में टीचर नहीं भेजा तो क्लास में कौन पढ़ाएगा? तो आप में से बच्चा खड़ा होना चाहिए कि आज क्लास में मैं पढ़ाऊंगा। इस दृष्टि से आप लोगों को तैयारी करनी है। आप करेंगे ऐसी तैयारी? कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ दिशा अटवा, BCN न्यूज, नागपुर।